नमस्कार, बोकारो सिटी सेंटर पान खाने निकले सेल रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हुए गायब। परिजनों ने सिक्स थाने में की मिसिंग रिपोर्ट। 3 महीने पूर्व रिटायर्ड हुए बोकारो इस्पात संयंत्र BSL के TA डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर विभाकर सिंह मंगलवार दोपहर से मिसिंग हैं। वह सिक्स निवासी हैं। मंगलवार सुबह 10:30 बजे घर से अपनी इंडिगो कार सिटी सेंटर में मार्केटिंग और पान खाने के लिए निकले थे। इसके बाद वह देर शाम तक घर नहीं लौटे। उसके बाद चिंतित घर वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया, पर रात तक उनका कोई पता नहीं चला। घर वालों ने सुबह वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है। उनका दोनों मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके कार का भी कोई ट्रेस नहीं हो पाया है। घर वालों के अनुसार उनको आखिरी बार सिटी सेंटर के एक पान दुकान में देखा गया था। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। इस बाबत सेक्टर 6 थाना प्रभारी के अनुसार उन्होंने भी सुबह ही खबर मिली। पुलिस उनकी खोज में लग गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं जिस दुकान में पान खाने प्रतिदिन जाते थे, दुकानदार ने बताया कि कल दिन में मेरे यहां पान खाने आए थे, फिर दोपहर में भी 3:30 बजे पान खाने आए, फिर वहां से चले गए। साथ ही कहा कि पहले की तरह वह नॉर्मल रहते थे, किसी तरह की परेशान नहीं थे। वहीं 6 थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली है, वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। साथ ही सेक्टर 4 सिटी सेंटर व उनके घर की CCTV भी खंगालने की बात कह रही है। पुलिस वहीं ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह ने कहा कि पारिवारिक कलह नहीं थी। साथ ही कहा कि जिसमें बाहरी तत्वों के द्वारा असामाजिक लोगों के द्वारा अपहरण की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। घर पर पहुंच पुलिस परिजनों परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में क्या कहते हैं 6 थाना प्रभारी, आइए सुनते हैं। रोज आते थे, पहले जिस तरह से आते थे 2-3 बार उसी तरह से कल भी आए हैं। क्या आपको कुछ लगता था कि वो कुछ नहीं, नॉर्मल लग रहा था, कुछ नहीं, जब पहले जैसे बात करते थे उसी तरह से कल भी बात हुई है। और आपके दुकान पे पान खाए फिर वहाँ से चले गए? हाँ, फिर वहाँ से चले गए। कहाँ है दुकान आपकी? सेक्टर 4 में सिटी सेंटर। क्या नाम हुआ आपका? शशि रंजन कुमार। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मन स्थिति हो सकती है, और ऑफिसर इस मामले में क्या करेगा? क्या ऐसा लगता है कि चूंकि GM टाउन सर्विसेज थे तो वहाँ पर किसी वजह से कोई मामला हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है? एक्चुअली वो CGM टाउन सर्विसेज थे बोकारो स्टील के, और उनका जो सेवानिवृत्त हुआ थे वो सितंबर 2020 को ही हुए थे, 3 महीना हुआ अभी से। मुझे जहाँ तक जानकारी है, हम लोग के व्यक्तिगत संबंध थे उनसे और उनके नेचर से पूरी तरह से हम वाकिफ हैं। तो कल जो इन्होंने 10 बजे यहाँ से निकले हैं सिटी सेंटर में, उनका कोई अभी तक का ट्रेस नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी लोग कुछ कयास लगा रहे हैं कि घर में कुछ विवाद हुआ होगा या और कोई पुरानी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है और कि उनका घर के लोगों से बड़ा अच्छा संबंध था और घर को बहुत पहली प्राथमिकता देते थे हमेशा। तो इस तरह का बिंदु हमारे समझ से नहीं है, कुछ इस तरह का है जिसमें बाहरी हमको तत्वों का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है। इस पर हम नकार नहीं सकते हैं। मतलब उनका गायब होना अपहरण की ओर भी संकेत देता है, ऐसा कह रहे हैं आप? उसको नकार नहीं सकते हैं। जहाँ तक है उनके मानसिक स्थिति की बात में, परसों जब उनसे किसी हमारे दोस्त से मुलाकात हुई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थे। और मानसिक स्थिति जिसकी अगर कहीं कुछ खराब भी होगी तो वो तो शहर में ही होगा, धरती पर ही होगा ना, तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा वो। और ऐसे व्यक्ति थे कि कोई छुपे हुए व्यक्ति नहीं थे वो। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। हमने विधायक से मांग किया, सांसद से मांग किया है, स्थानीय प्रशासन से मांग किया है, इसमें तुरंत कार्रवाई किया जाए जिससे उनकी तुरंत रिकवरी हो, क्योंकि वो बीमार आदमी है। एक ही किडनी उनका, उनको दवा चाहिए रेगुलर। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा AK सिंह, प्रेसिडेंट बोकारो स्टील ऑफिसर।
मतलब क्या मतलब बता दीजिए कि वो जीएम थे क्या थे इस तरह से बताइए। हाँ, विवाकर साहब सीजीएम टाउन सर्विसेज थे, 31 सितंबर को रिटायर किए हैं वो सर्विस से और बहुत बैलेंस्ड आदमी है और शांत आदमी है। पान खाने वो कल 10:30 बजे निकले थे लेकिन वो लौट के नहीं आए। आज सुबह भी उनके फैमिली मेंबर्स ने हम लोग को खबर दिया, तब एसपी साहब से बात हुई, विधायक जी से बात हुई, ईडी पर्सनल जो है कुशवाहा साहब उनसे भी बात हुई और मैं पर्सनली एसपी साहब से मिला भी हूँ। बहुत बढ़िया आश्वासन मिला है कि सब कुछ ठीक है, शाम तक वो कुछ बताएंगे क्लियर करते। और एक न्यूज़ और है कि जहाँ वो पान खाया करते थे तो वो बोला है 3:15 के बीच में पान दुकान पर वो गए, तो सेक्टर 4 थाना को बोला गया कि उस एरिया में जितना CCTV है उससे वो अपना पता करें कि क्या पोजीशन था उनका, क्या नहीं था, लोकेट करें। सागर साहब क्या लगता है मतलब इनका अचानक गायब हो जाना इस तरह से, मतलब किस तरह का शक और संदेह की सुई जा रही है, आपको क्या लगता है? आदमी तो बहुत बैलेंस थे, तो या तो मेंटल स्थिति उनकी ठीक नहीं होगी और या हो सकता है कोई घटना घटी हो उनके साथ, तो ये तो हम लोग क्लियर नहीं हो सकते। कोई घटना घटी हो उनके साथ या मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गया, दो ही में से कुछ हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? के ठाकुर, COBPSC। मुख्य महाप्रबंधक गायब हो गए, अपहरण है, मिसिंग है या फिर कोई और है, क्या है पूरा मामला क्या है? ये अभी उनके पुत्र के द्वारा, शुभम उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा लिखित थाना में सूचना दिया गया है कि जो है कि उनके पिताजी जो है कल 10:30 बजे घर से निकले हैं अपने कार को लेकर के और शाम तक वो घर वापस नहीं आए, रात में भी नहीं आए। ये लोग अपने स्तर से खोजबीन किए हैं और नहीं मिलने पर थाना आकर उसकी सूचना दिए हैं कि खोजबीन करने के लिए, है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर, इस जो लिखित शिकायत मिली है उनके गायब होने का, जांच किया जाएगा उसका, क्या कारण है, कहाँ है, कहाँ गए थे, नहीं गए थे, क्या लगता है अपहरण का भी मामला हो सकता है? नहीं, ऐसा तो अभी कोई लिखित सूचना उनके द्वारा भी नहीं दिया गया है, परिजनों के द्वारा भी बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं था, किसी से कोई द्वेष नहीं था। तो किन किन संभावनाओं पर पुलिस इसकी जांच करेगी? जांच किया जाएगा कि वो कहाँ गए हैं, क्या कारण हो सकता है जो घर नहीं लौटे।